हाय गाइस, मैं हूं ईशान सक्सेना, प्लैनेट ट्रैवलर। आ चुका हूं एक और ब्लॉग के साथ। गाइस, तो मैंने जैसा कि आपको मुंबई के बीच दिखा दिया, गेटवे ऑफ इंडिया दिखा दिया, और मैंने आपको ताज होटल दिखाया, होटल ओबेरॉय दिखाया, और काफ़ी चीज़ें दिखा दी। और आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ गाइस मैं आपको, वो है यहाँ का फूड। क्या है यहाँ का फेमस फूड, तो अगर वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। आ चुके हैं अपने स्टॉप पे, जो कि है जुहू चौपाटी। ये हमारा जुहू बीच के ठीक पास में ही है, मतलब बराबर में ही है, जुहू बीच का ही है। और आगे चलते हैं, देखते हैं, पहले आपको दिखाता हूँ, पूछता हूँ, मुझे लगा मेरे जाने वाले, और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे शॉप्स, बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। आइए, यहाँ पे जुहू के बराबर में है, कुछ भी खाइए पिए, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और अब किसी एक बंदे से पूछना पड़ेगा कि यहाँ मतलब फेमस क्या है खाना, इनसे पूछते हैं। आइए पूछते हैं, भैया ये यहाँ पे फेमस खाना क्या है? सागर जी, सागर 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 पाव भाजी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा पाव भाजी। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, उनने तो पाव भाजी कहा है, शिव सागर कह रहे हैं वैसे वो, लेकिन हमें शिव सागर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं कुछ देखते हैं, खाते पीते हैं, खाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको अंदर का दिखा दूँ। चुके हैं यहाँ का मुंबई का फेमस वड़ा पाव, आप देख सकते हैं बीच में आलू, नीचे चटनी, और ये वड़ा पाव हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे खाने के लिए तैयार हैं गाइस। इस शॉप पे आके आप वड़ा पाव ले सकते हैं, यहीं आपको मिल जाएगी, शुरू में ही है इनकी शॉप। सर अपनी दुकान फेमस करने पे चाय पिलाने नागोरी का फेमस, हमारे दुकान के वड़ा पाव एंड नागोरी टी ऑल द मुंबई फेमस। और कुछ बताइए इन सब चीज़ों के बारे में। एंड द पाव भाजी, एंड गोला, काला कट्टा, बेलपूरी, पानी पूरी, काफ़ी शॉप्स हैं देख सकते हैं आप। या सबसे बेस्ट नागोरी टी। चलते हैं यार, हमने खा लिया है, और मैं अभी पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, क्योंकि बारिश भी होने वाली है। तो अब चलते हैं, अब ये वड़ा पाव मेरे हाथ में, और घर पे चल के खाएंगे और इसका रिव्यू देंगे और अच्छे से। तो मिलते हैं फिर घर में गाइस। रिव्यू इसका ऑपरेशन होगा गाइस, खोल खाल के दिखाया जाएगा इसमें क्या क्या भरा है, कैसे क्या हुआ है गाइस,
मौसम बहुत ख़राब हो रहा है गाइस, फ्लड आ चुका है यहाँ पे कल, तो काफ़ी हालत ख़राब है यहाँ की आज, बहुत ज़्यादा, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही, बहुत पानी बरसेगा यहाँ पे गाइस। रोज़ की तरह एक ब्लॉग डालना है, ये तो रेडी हो गया गाइस, मुझे दिखाना है आपको, रोज़ आपको ब्लॉग डाल के दिखाऊंगा मैं, चाहे कैसा भी ब्लॉग हो, मुझे आपको खुश करना है, दिखाना है। आ चुके हैं हम लोग अपने घर वापस, और ये हमारे भैया हैं, हाय कर दिए, हाय। पूरा शर्मा रहे हैं कैमरे को देख के, कोई नहीं, मैं तो एक्साइटेड हूँ इसका रिव्यू देने में, बड़ा पाओ। चलते हैं ऊपर और फिर मिलते हैं अब कमरे में सीधे। हम घर अपने और रूम में भी आ चुके हैं, और ये बड़ा पाओ अपने साथ लेके आए हैं, और अब करेंगे इसका रिव्यू और इसका ऑपरेशन, तो बने रहिए। ये है हमारा वड़ा पाव जो जुहू चौपाटी से ख़रीदा गया था, और ये देख सकते हैं इसको मैंने आधा खाया भी था वहाँ पर वो जल्दी में था। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, ये तो चलो बन है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको गाइस, वो चटनी है, मिर्च की चटनी। और ये क्या है, ये आलू है, हाँ ये आलू है, ये आलू का इन्हें बनाया है और उसे चटनी लगा के दिया है इन्हें, बस यही है इस वड़ा पाव में, और कुछ नहीं दिख रहा है गाइस मुझे। पर ये खाने में कुछ भी कहिए गाइस, बहुत टेस्टी है, इसे भी आपको ट्राई करना चाहिए एक बार, बहुत टेस्टी है। तो गाइस अब 1 वीक में 4 व्लॉग्स आया करेंगे, 1 वीक में 4 व्लॉग्स।